हो सब, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, मुझसे मिली मैं हूँ सोनिया साले एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। आपको तो समय लग ही होगी, सर्दियाँ आ गई हैं तो जी मोस्टली पीपल, मतलब लोगों के जो होंठ है ना, वो उसके ऊपर स्क्रैचेज आ जाते हैं और इतने ज़्यादा डल हो जाते हैं और ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपके लिए बेहतरीन 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 सोल्यूशन जो है वो मैं लेके आई हूँ। बनाइएगा ज़रूर और लगा के बताइएगा कि रिज़ल्ट जो है ना वो कितने देर तक रहता है और उससे आपके जो लिप्स हैं यानी कि होंठ हैं कितने ज़्यादा नरम मुलायम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और जितने भी ऊपर जो, अगर आपके जो लिप्स हैं वो ब्लैक भी हैं, अगर आप इनको कंटिन्यूसली लगाते हो इन विंटर्स के अंदर, तो आपके एक तो ब्लैकिश जो उसके ऊपर जो पूरा होंठ के ऊपर जो आ जाता है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा, और उसके अलावा जो स्क्रैचेस खड़प्पड़ जिसको कहते हैं ना, वो जो होंठों की इस साइड पर जो खड़प्पड़ से बन जाते हैं वो है, वो जो है वो भी दूर हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो है ना वो एकदम से दूर हो जाएंगी। तो ये देखें, ये जो है ये ऑलरेडी मैंने जो पिंकिश वाले में जो मैंने बनाया है, दो टाइप के जो है यहाँ पे मैंने बाम बनाई है, लिप बाम, ठीक है। इसमें से मैंने एक अप्लाई की है पिंक कलर में, ठीक है। आप पहले वीडियो देख लो, उसके बाद जो है मैं आपको जो बाकी इसको किस तरीके से अप्लाई करना है और कितने देर तक अप्लाई करना है और कितने देर तक रखना है वो मैं आपको जो है वो बाद में बताती हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, जाइएगा मत जी। तो फ्रेंड्स, सर्दी में हमारे होंठों के ऊपर इस तरह से क्रैक पड़ जाते हैं और कभी कभार तो इसके अंदर से जो है ना वो ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। तो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे जो है रिज़ल्ट 100% आएगा। आप बनाएं, लगाएं और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको जो है वो रिज़ल्ट 100% मिलेगा, ठीक हो गया। अब उसके लिए सबसे पहले मैंने जो है वो ऑलिव ऑयल लिया है, उसके बाद मैंने एवियन के कैप्सूल्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी, आपके पास आई शेडो या ब्लशन जो है पड़ा हुआ, जिस शेड में आप इसको बनाना चाह रहे हो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मेरे पास रेवोल्यूशन का टूटा हुआ था तो मैंने वो यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन यूज़ की है और वैसलीन यूज़ की है, ठीक हो गया। और साथ में जो है मैंने रेड कलर में जो है वो जो फूड कलर है वो यूज़ किया है, साथ में मैंने हनी यूज़ किया है। सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, जितनी आपने बनानी है मिकदार, ठीक है, उतने हिसाब से आपने वैसलीन को ले लेना है और वैसलीन को हल्की आँच पर जो है आपने जो है इसको मेल्ट कर लेना है। आँच ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो वैसलीन जो है वो जल जाएगी। कोशिश कीजिएगा इसको बिल्कुल लो हीट के ऊपर जो है आपने मेल्ट करना है, और जब आपको लगे कि आपका बर्तन बिल्कुल ज़्यादा गर्म हो गया तो आप नीचे से जो है आग बंद कर दें, वो वैसे ही मेल्ट हो जाएगी। ये हमारे पास मेल्टेड जो है वैसलीन आ गई है, इसके अंदर मैं तकरीबन टी स्पून जो है वो हनी का ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये जो है वो ठंडी भी बहुत जल्दी हो, सर्दियों का मौसम है। आपने इसको हनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपने एक एवियन का कैप्सूल जो है वो इसके अंदर जो है वो ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं एवियन का कैप्सूल जो है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है आपने उसके बाद जो है वो हनी, सॉरी ये जो ऑलिव ऑयल है वो ऐड करना है, या तो आप अगर कोकोनट ऑयल भी मौजूद है आपके पास उसके जो है 5 से 6 ड्रॉप सिर्फ आपने जो है इसके अंदर जो ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है वो ग्लिसरीन का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सी भी अच्छी ग्लिसरीन जो है इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, और किसी भी जो फार्मेसी से है आपको अच्छी सी ग्लिसरीन जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद आप अपना डिज़ायर कलर जो है लेकर आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ऐड करोगे और आपको जो है वो अच्छा सा इसके अंदर जो है वो रिज़ल्ट जो है मिल जाएगा, ठीक हो गया। और उसके अंदर जो है मैंने रेड कलर का थोड़ा सा फूड कलर भी जो है वो ऐड किया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, ठीक हो गया। और साथ में यहाँ पर मैंने हल्दी जो है वो भी ऐड की है और साथ में मैंने फूड कलर ऐड किया है, ठीक है, इसको कर लिया मिक्स। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने यहाँ पर दूसरे जो हमने रेमेडी बनाई जिसमें हमने हल्दी नहीं यूज़ की, सब मतलब सेम रेमेडी है, सिर्फ आपने क्या करना है, फूड कलर ऐड नहीं करना, हल्दी ऐड नहीं करनी। और यहाँ पे मैंने लिपस्टिक को मेल्ट करके, मेबेलिन की यहाँ पर लिपस्टिक मैंने ली थी, उसको थोड़ा सा मेल्ट करके मैंने इस जो है हमारा जो मटेरियल है इसके अंदर मैंने जो है वो ऐड कर दिया था, और देखें ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया था। अब हमने इसके अंदर हल्दी ऐड नहीं की और फूड कलर ऐड नहीं किया, हमने जस्ट इसके अंदर लिपस्टिक ऐड की है। अब यहाँ पे आपने कोई सा भी कंटेनर ले लेना है, प्लास्टिक का या शीशे का, और उसके अंदर जो है इसको स्टोर कर लेना है। मैंने भी ये दोनों बॉटल्स थी मेरे पास तो मैंने उसको भी स्टोर कर लिया, और जी इसको भी जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, और ये जो है कुछ इस तरह का है और बड़ा ही जो है क्रीमी फॉर्म में है, और ये आपके होंठों को बहुत देर तक जो है मॉइस्चराइज करके रखेगा। जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपने जो है वो वीडियो पूरी देख ली है किस तरीके से बनाना है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने दो तरह के मेथड जो है वो आपको बताया, ठीक है। आप इन तरीकों से आप जो है लिप बॉम ईजिली जो है ना घर पे बैठ के बना सकते हो। उसका इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म तक है। अगर आपने सुबह लगाई है तो आपको फिर दोपहर तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने दोपहर को लगाई तो शाम तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 3 से 4 घंटे आपके आराम से ये निकाल लेता है, ठीक है, अगर आप लिपस्टिक मेरी तरह खाते नहीं हो तो। अच्छा जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, तो मेरे पास जो थे ना ये इस तरह के जार मौजूद थे जिसके अंदर से जो है मैंने दोनों को स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपने इसको बनाने के बाद 1 घंटा जो है वो फ्रिज में स्टोर करना है। दूसरी बात, जब आप इसको लगाने लगो तो आप सर्दियां हैं आप बाहर भी उसके बाद रख सकते हो, लेकिन बनाने के बाद आपने 1 घंटा ज़रूर इसको बाहर फ्रिज के अंदर रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इसको 1 से 1 हफ्ते के लिए बनाई, ज़रूरी नहीं कि आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी चला सकते हो, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं तो इसमें से जो है ना बेहतर यही है कि आप इसको 1 हफ्ते के लिए ही बनाओ, उसके बाद जो है वो नया बना लो, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अगर थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता तो नो इशू, ख़राब तो नहीं होगा ये, लेकिन ये है कि आप नया जो है उतना ही बनाओ जितना आपका 1 हफ्ते तक की जो क्वान्टिटी है वो आपके यूज़ में आ जाती है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर 2 हैं, पहले मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर जो है एक इस शेड में मैंने बनाया है, ठीक है। ये जो आपने पहले देखा था ये बिल्कुल जो है वो हार्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप फूड कलर ना भी यूज करो तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेड कलर का जो मैंने आपको बताया भी है कि फूड कलर मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अभी पहले यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिप्स के ऊपर जो है अप्लाई किया हुआ है वो ये कलर है, ये आप देखो यहाँ पे मैंने ये कलर बनाया, ठीक है, पिंक कलर का, बहुत ही खूबसूरत से कलर है, ठीक है। जो लड़कियां जो हैं वो लिपस्टिक्स पसंद नहीं करती और ग्लोस या ग्लोई लिप्स पसंद करती हैं, ठीक है, और लड़के भी जिनके जो लिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ जाते होते हैं और वो ये कलर जो है बीच में ऐड ना करें, वैसे बना लें तो उनको भी जो इफेक्ट जो है ना वो मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये अप्लाई करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ना बास हमारे मतलब लोगों में ये जो लिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है लिप्स, ठीक है, स्क्रैचेस आ जाते हैं लंबे लंबे से इस तरीके से करके, ठीक है, कि ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि अपने इस बाम के अंदर थोड़ी सी ना एक चुटकी सी जो है वो हल्दी यूज़ कर लेना, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके जो लिप्स के ऊपर जितने भी स्क्रैचेज हैं जितने भी ज़ख्म हैं वो हील हो जाएंगे और उनके ये प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी इसी के साथ ही, ठीक है। लड़के जो हैं जो ये आपका जो कलर है या हमने लिपस्टिक जो मैंने ऐड की है वो ना ऐड करें, वैसे ही बना लें। और यस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप ऑलिव ऑयल के बजाय कोकोनट ऑयल भी जो है वो भी ऐड कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो आप देख रहे हो ये वाला, ये मैंने पिंक कलर में जो है मैंने बनाया था, ये वाला ऐड जो है ये वाला जो मैंने पिंक कलर में ये है ये बनाया था, तो ये मैंने लगाया। अब मैं आपको वो दूसरा जो है वो भी अप्लाई करके जो है दिखा देती हूँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे वो रिमूव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देती हूँ। यहाँ से मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी से लिए, आप किसी भी बॉटल या कोई भी प्लास्टिक जार में जो है उसको सेव कर सकते हो। ये देखें जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है वो ये वाला जो है वो आपको बाम जो है हमने लिप बाम बनाई है वो यहाँ पे मैंने लगा लिया। इसके अंदर जो है वो हल्दी मौजूद है और वही बात कि जिनको ये प्रॉब्लम है होंठों की बहुत ज़्यादा, वो ये हल्दी जो है आप उसमें दूसरे वाले में भी ऐड कर सकते हो, या आप कोई भी चीज़ जो है आप लिप बाम वैसे भी किसी बाहर से चीज़ से यूज़ करो, उसके अंदर भी थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके लगाओगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक हो गया जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है ये अप्लाई कर लिया है फिर से, ठीक है। और जो ये आप चाहो तो इसके अंदर जो है भी लिपस्टिक फूड कलर की बजाय लिपस्टिक भी ऐड कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बनाइएगा ज़रूर, लगाइएगा ज़रूर, रिजल्ट प्लीज़ जो है वो शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो जी, जो मेरे वीडियो पे नए हैं वो जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरी वीडियो पे मेरे फॉलोअर्स पहले से हैं वो जी लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे नवाब में याद रखिएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। चलिए जल्दी से लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करके बताएं, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।